हाई गाइज आई होप यू आर आर डूइंग वेरी वेल गाइज इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग द एग्जाम किट सॉल्यूशन ऑफ द चैप्टर अर्निंग पर्स विच इज़ चैप्टर नंबर फोर्टीन ऑफ ए सी सी एफ सेवन इम्पॉर्टेंट चीज गायज सभी के लिए कि इस चैप्टर की जो एग्जाम किट वीडियो है दैट इज आएम नॉट पुटिंग इट द इन देड पार्ट ये फ्री वाला पार्ट है रीजन बींग इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो मैं चाहता हूँ कि चलो इस चैप्टर के एटलीस्ट सारे बच्चे ये वीडियो देख के ये चैप्टर तो अच्छे से कर ले विच इज इम्पॉर्टेंट ठीक है बट इफ़ यू वॉन्ट टू सपोर्ट मी तुम्हें लगता है मुझे सपोर्ट कर सकते हो तो यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन फॉर वन मंथ और लेके फिर उसको कैंसिल भी कर सकते हो दिस इज जस्ट अ हेल्प डेट आई एम आस्किंग एंड अ सपोर्ट फ्रॉम योर साइड बाकी तो जो मैंने करना है वो तो मैं करता ही रहूँगा चलो लेट्स कॉन्टिन्यू सो इस क्वेश्चन में तुम्हें याद होगा जब भी तुमने चैप्टर मैंने तुम्हें पढ़ाया था तो मैंने बताया था इस चैप्टर को करने का तरीका थोड़ा सा अलग है बुक में जो मेथड बताया हुआ है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और बहुत मुश्किल है समझना ठीक है मैंने जो बताया था वो एक शॉर्टकट था थोड़ा सा कि बुक वाले मेथड से इजी मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो उसी तरीके से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा हो सकता है तुम्हें तो बुक के सॉल्यूशन से समझ ना आए लेकिन जैसा मैंने पढ़ाया है उस कॉन्सेप्ट से समझोगे तो अच्छे से समझ आ जाएंगे और सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर वन वन नाइन इसमें निकालना क्या है वट इज द बेसिक अर्निंग पर शेयर अप टू वन प्लेस फॉर द ईयर एंड थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड सेवनटीन अकॉर्डिंग टू आई एस थर्टी थ्री अर्निंग पर शेयर ओके गार्फिश हैड प्रॉफिट ऑफ थ्री मिलियन इन द ईयर एंडिड थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड सेवनटीन ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन गार्फिश हैजू पॉइंट फोर मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स तो मैं एक छोटा सा चार्ट बना लेता हूँ कि फर्स्ट जनवरी और थर्टी फर्स्ट दिसंबर फर्स्ट जनवरी को इतने शेयर्स उसके पास थे On first April 2017, that means somewhere here, ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड सेवेंटीन दैट मीन समे हेयर गार्निश ग मार्केट प्राइस वॉज टू तो जब राइट इशू होता है मैंने सबको बताया था यहाँ पे हमें टी ई आर पी निकालना होता है दैट इज थोरेटिकल एक्सप्राइट price right. ये निकालना होता है अब ये हम कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है जिनके पास दो शेयर थे दैट मीन्स टू शेयर्स का मार्केट प्राइस है टू दैट मीन्स फोर उनको एक शेयर मिला है एट वन पॉइंट फोर जीरो इंटू वन पॉइंट फोर जीरो आज की डेट में उनके पास थ्री शेयर्स हैं एट अ टोटल प्राइस ऑफ फाइव पॉइंट फोर थ्री शेयर उनके पास है एट अ टोटल प्राइस ऑफ फाइव पॉइंट फोर तो टी ई आर पी आ जाएगा हमारा फाइव पॉइंट फोर डिवाइड बाई थ्री दैट इज वन पॉइंट एट तो वन पॉइंट एट हमारा हो गया टी ई आर पी ठीक है तो ये आ गया हमारा टी ई आर पी अब इस केस में मैंने तुम्हें हमेशा एक बात बताई थी सॉरी टू पॉइंट फोर मिलियन हमारे पास शेयर्स थे वन फॉर टू तो टू पॉइंट फोर डिवाइड बाई टू इंटू वन दैट मीन्स हमने वन पॉइंट टू मिलियन बोनस शेयर्स इशू किए तो इस डेट पे हमने वन पॉइंट टू मिलियन राइट इशू सॉरी करे हैं शेयर्स अब इसकी कैलकुलेशन मैंने हमेशा क्या बताई थी कि ये शेयर्स जो हैं टू फोर्टी इसमें हमारा कुछ बोनस पार्ट भी है तो टू फोर्टी इन टू हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे हमारा मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस है हमारा टू डिवाइडेड बाय टी ई आर पी वन पॉइंट एट तो जो भी हमारे ओपनिंग शेयर्स थे जिन पर आई टी शो हमने करा है इन टू टू वन पॉइंट एट तो टू फोर्टी इन टू टू वन पॉइंट एट ये आता है हमारा टू सिक्स सेवन सो ये आता है टू सिक्स ये आते हैं हमारे शेयर्स ओपनिंग अब मैंने बताया था हमने राइट इशू करा है इतना तो टू सिक्स 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 सेवन जब मैं माइनस टू फोर्टी करूँगा तो दैट मीन्स मैंने एडिशनल जो शेयर्स इशू करे हैं एडिशनल शेयर टू सिक्स 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 सेवन ये जो पार्ट है ये तो मेरा बोनस वाला हो गया कि टोटल जो मैंने राइट right इशू करे हैं उसमें से इतना पार्ट मैं बोनस वाला मानता हूँ जो यहाँ पे ऐड हो गया तो रिमेनिंग जो मैंने अप्रैल में इशू करे हैं वो होंगे 120 माइनस दिस माइनस वन ट्वेंटी यह आता है हमारा नाइन थ्री 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 सो नाइन थ्री 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 ये हो गया मेरा राइट right इशू वाला पार्ट सिर्फ वेटेड एवरेज निकालने के लिए हम ये यूज करते हैं कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है ये सिंपल एक फॉर्मूला है दिस इज अ फॉर्मूला विच वी हैव टू लर्न एज इट इज तो नाइन थ्री 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 इतने शेयर्स मैंने एडिशनल इशू करे हैं राइट इशू में और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा फर्स्ट अप्रैल को करें तो फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी दिसंबर डिसंबर इंटू नाइन डिवाइड बाई ट्वेल्व तो नाइन थ्री 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 ये आता है मेरा सिक्स नाइन 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 समथिंग तो टोटल तो मेरा आता है ये एक तरह से सेवन लाख तो सेवन लाख मेरा ये हो गया और टू सिक्स 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 अब इसका टोटल तो इसमें बोनस ऐड करके बोनस मैंने बताया था हमेशा ओपनिंग में एड करते हैं तो ओपनिंग में मेरा बोनस ऑटोमेटिकली ऐड करके पूरा हो गया प्लस जो मेरे राइट इशू वाला पार्ट बचा था कि मैंने बोनस हटा के रिमेनिंग जो बचा था उसको प्रोरेट कर दिया मंथ्स में तो मंथ्स में प्रोरेट करके सेवन लाख आया तो सेवन लाख प्लस दिस तो टू सिक्स 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 सेवन प्लस सेवन लाख ये मेरा आता है थ्री थ्री सिक्स 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 सेवन थ्री थ्री सिक्स सिक्स वन सो so, ये आगे मेरे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आगे प्रॉफिट था थ्री मिलियन तो थ्री मिलियन डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स तो थ्री मिलियन डिवाइडेड बाय थ्री सिक्स देख सकते हैं बहुत सारे जीरोस जीरो सिक्स 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 सेवन तो ये मेरा आता है जीरो पॉइंट एट नाइन तो जीरो पॉइंट एट नाइन वन तो ये मेरा आता है जीरो पॉइंट एट नाइन वन जीरो या वन वन और मुझे और इसको अगर मैंने सेंट्स में करना है तो एट्टी नाइन पॉइंट वन वन अप अपू वन डेसीमल तो एट्टी नाइन पॉइंट वन तो एटी नाइन पॉइंट वन सेंट इज माई आंसर ठीक है तो गायज मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ ये सेम तरीके के मैंने क्वेश्चन बुक में भी सॉल्व कराए हैं उसी तरीके से हमें करना है याद रखना तुम्हें ये तरीका लर्न करना पड़ेगा एक तरह से रट्टा मारना पड़ेगा इसका और कोई ऑप्शन नहीं है बोनस के केस में मैंने बताया था कि सारे के सारे हमारे यहीं पर ऐड हो जाते हैं राइट इशू के केस में जो भी हमारे राइट इशू हुए हैं उसमें सबसे पहले हम निकालेंगे टी आर पी कि ऑलरेडी कितने शेयर्स थे मार्केट प्राइस पे जो राइट इशू में उनको शेयर्स मिले हैं जिस जिस प्राइस के उन्होंने लिए हैं ये करने के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस दिस डिवाइड बाय दिस ये आ जाएगा हमारा टी -E इस टी -E का हम क्या करेंगे जो भी हमारे ओपनिंग शेयर से जिनके ऊपर राइट इश्यू लगाए इन टू मार्केट प्राइस डिवाइड बाय टी दैट मींस इंक्लूसिव ऑफ बोनस हमारे शेयर्स इतने होंगे तो दैट मीन्स हमने टोटल बोनस एडिशनल इतना दिया था वो हम राइट right इशू वाले अमाउंट से माइनस कर देंगे ये मत सोचना कि जो मैं बोनस बोल रहा हूं इसका मतलब हमने एक्चुअल बोनस दिया ये वो नहीं है दिस इज जस्ट अ वे टू कैलकुलेट हमारे वेटेड एवरेज दैट्स इट वेटेड एवरेज निकालने का तरीका है ये यह इट तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन वन ट्वेंटी सो क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी करते हैं पहले ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको सबको रब कर देता हूं क्योंकि हो सकता है आगे वाले क्वेश्चंस में भी जरूरत पड़े तो ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत स्लो कराया था गैस अब क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो थोड़े से स्पीडली कराऊंगा तो बहुत ध्यान से देखना ठीक है चलो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी अब वन ट्वेंटी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसमें निकालना क्या है वॉट इज द बेसिक अर्निंग पर शेयर फिगर फॉर द ईयर एंडेड दिस अकॉर्डिंग टू आई एस थर्टी थ्री अर्निंग इसमें भी अर्निंग पर शेयर निकालना है ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड फोर्टीन तो आई एल मेक अ चार्ट छोटा सा फर्स्ट जैन फोर्टीन थर्टी फर्स्ट दिसंबर फिफ्टीन तो फर्स्ट जैन फोर्टीन को सैम कंपनी है थ्री मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स तो थ्री मिलियन के हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स थे ऑन फर्स्ट जून टू थाउजेंड फोर्टीन फर्स्ट जून फोर्टीन सैम कंपनी मेड वन फोर थ्री मतलब जिनके पास तीन थे उनको एक तो इन टू वन डिवाइड बाय थ्री वन फॉर थ्री तीन के बदले एक तो थ्री वन इंटू वन डिवाइड बाई थ्री दैट मीनस वन मिलियन हमने और बोनस शेयर दे दी इस डेट को ठीक है एंड आगे ऑन थर्टियप्टर टू थाउजेंड फोर्टीन थर्टी 14 कंपनी इशूड फर्दर वन मिलियन शेयर यहां पे उसने वन मिलियन शेयर्स और इशू करे हैं एट फुल मार्केट प्राइस सेम कंपनी हैड प्रॉफिट है उसके टू मिलियन ओके अब देखो ध्यान से ये थे मेरे बोनस शेयर्स बोनस शेयर्स के बारे में जब भी हमें वेटेड एवरेज निकालना होता है याद रखना मैंने बताया था जब भी वेटेड एवरेज निकालना होता है तो बोनस शेयर्स को मैं स्टार्टिंग में ही ऐड कर लेता हूँ जिन शेयर्स में मैंने बोनस है इस पर बोनस दिए मैंने स्टार्टिंग में ही ऐड कर दिया दैट मीन्स इसमें मेरा वन मिलियन ऐड हो गया तो बोनस की कैलकुलेशन में या नहीं करूँगा बोनस इज ऑलवेज एडिड ऑन ओपनिंग प्राइस जिस भी अमाउंट पे मैंने बोनस दिए जितने भी शेयर्स पे मैंने मैं बोनस दिए उन्हीं शेयर्स पे मैं बोनस ऐड कर दूंगा वेटेड एवरेज निकालने का तरीका है तो ये कितना हो गया मेरा फोर मिलियन ठीक है यहां पे मैंने नए शेयर इशू करें, तो फोर मिलियन पूरा साल रहे हैं मेरे पास तो वेटेड एवरेज विल बी फोर मिलियन प्लस वन मिलियन जो मैंने लिए इन्हें थर्टीएथ सेप्टेंबर को सेप्टेंबर थर्टीएथ दैट मीन सेबर निकल गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर थ्री मंथ तो इन थ्री डिवाइड बाई ट यह आता है मेरा टू लाख फिफ्टी तो टू लाख फिफ्टी यहाँ पे ऐड हो जाएगा वेटेड एवरेज में तो टू फिफ्टी तो वेटेड एवरेज मेरा आ गया फोर टू फाइव डबल जीरो डबल जीरो तो दिस इज माय वेटेड एवरेज प्रॉफिट है मेरा टू मिलियन तो टू मिलियन डिवाइड बाय फोर टू फाइव तो टू मिलियन डिवाइड बाय फोर टू फाइव ये मेरा आता है जीरो पॉइंट फोर सेवन जीरो फाइव एट दैट मीन जीरो पॉइंट फोर सेवन वन तो ए विल बी माई आंसर आई होप सबको समझ आ गया हो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें चैप्टर में से समझने पड़ेंगे कि बोनस का अमाउंट वेटेड एवरेज निकालने के लिए हमारा स्टार्टिंग में ऐड हो जाता है और जब भी हमने नए शेयर्स इशू किए हैं वहां से हम उनको प्रोरेट करते हैं बुक का मेथड बिल्कुल नहीं है ये बुक से बिल्कुल मत देखना कुछ भी समझ नहीं आएगा बिल्कुल फॉलो मत करना बुक को सिंपल इस तरीके से जैसा मैंने बताया वैसे पहले बोनस निकाला बोनस को हमने जिन शेयर्स पर बोनस दिया वहीं की वहीं ऐड कर दिया दैट्स इट चलो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 121 121 में हमें क्या करना है पहले इसको रब कर देता हूं अगेन पुरानी चीजें पुरानी चीज़ों से हम आगे बढ़ चुके हैं बहुत अब ये चीजें हमें अच्छे से समझ आ गई हैं तो 121 ट्वेंटी वन इज वट इज द री स्टेटेड अर्निंग पर शेयर फिगर फॉर कंपेरेटिव पर्पजेज हमें पिछले साल की फिगर रीस्टेट करनी है मतलब इस साल हमने कुछ बोनस शेयर या राइट शेयर इशू करे होंगे तो हमारे ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और हमारा रिस्टेट uh, करना पड़ेगा हमें अर्निंग पर शेयर ठीक है तो इसका तरीका क्या है गाय अब देखो ड्यूरिंग द ईयर मैक मेड वन फॉर थ्री राइट इशू वन फॉर थ्री राइट इशू मतलब तीन के बदले उसने एक शेयर राइट इशू करा है दैट मीन्स जो तीन शेयर्स थे मैं अभी इस क्वेश्चन का यहाँ लिख रहा हूँ तो तीन शेयर्स थे उनका मार्केट प्राइस था टू पॉइंट टू जीरो तो थ्री इंटू टू पॉइंट टू जीरो दैट मीन्स सिक्स पॉइंट सिक्स तो उसके पास पहले वैल्यू थी प्लस उसको एक शेयर मिल गया एट इंटून सिक्स दैट मीन पॉइंट तो टोटल वैल्यू आ गई सेवन पॉइंट टू जीरो फॉर फोर शेयर तो टी ई आर पी हमारा हो गया सेवन पॉइंट टू जीरो डिवाइड बाय फोर दैट मीन्स वन पॉइंट एट हो गया मेरा टी ई आर पी नहीं मैंने मैथ्स करी मैथ्स कर बढ़ोगी गाइस मैथ्स 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 तो दिस इज एट पॉइंट टू मैंने सेवन पॉइंट टू पता नहीं क्यों लिख दिया एट पॉइंट टू तो एट पॉइंट टू डिवाइड बाई फोर दैट मीन्स टी ई आर पी मेरा आ गया टू पॉइंट जीरो फाइव या आ गया टी ई आर पी ठीक है अब मेरा एक फॉर्मूला मैंने क्या बताया था री याद रखना री का लॉजिक अगर तुम्हें तो लॉजिकली याद रखना है री स्टेट जब भी हम करेंगे अपने जो हमारा वो है ई पी एस सॉरी वो हमेशा कम आएगा तो पिछले साल का ए था एटी सेंट्स तो अब यहाँ पे मेरे पास टी ई आर पी है यहाँ पे मेरे पास मार्केट वैल्यू है अब देखो अगर मैं इसको 2.20 डिवाइड बाय 2.05 करता हूँ तो अर्निंग पर शेयर मेरा बढ़ जाएगा जबकि अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ सकता क्यों मैंने वीडियो में भी बताया था अपने चैप्टर की कि जब भी हम ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाते हैं शेयर्स हमारे बढ़ जाएंगे तो रीसेट करने के बाद अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो टू ये तो तो ये आ गया मेरा, टी ये आ गया गया मेरा मेरा रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर अब यहां पे मुझे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता थे अगर मैं वैसे भी करता तब भी मेरा आंसर आ जाता तो अगर तुम्हें उस तरीके से करना है लॉजिकली समझ के देखो हमने अर्निंग पर शेयर निकाली दैट मीन्स मेरे पास एक शेयर था अर्निंग पर शेयर निकाली दैट मीन्स मेरे पास एक शेयर था है ना अगर मैं इस एक शेयर को रीस्टेट करता हूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या था तो फॉर्मूला मेरा क्या था जो भी मेरे ओपनिंग शेयर्स होते हैं इनटू मार्केट प्राइस दैट मीन्स 2.20 डिवाइड बाय टी ई आर पी विच इज़ टू तो मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आते हैं वन इंटू टू पॉइंट टू ज़ीरोड बाई टू पॉइंट जीरो फाइव दैट मीन्स वन पॉइंट जीरो सेवन थ्री तो 1.073 ये मेरे नंबर ऑफ शेयर्स अब आ गए आफ्टर बोनस एक शेयर में इतना मुझे बोनस मिल गया तो पुराना मेरा ईपीएस था इतना ठीक है ना पुराना मेरा ईपीएस था इतना तो पुराना ईपीएस था एक शेयर के लिए तो इसके लिए कितना होगा सो एटी वन डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो सेवन थ्री ये आ जाएगा मेरा ईपीएस फॉर अगर इतने नंबर ऑफ शेयर से मैं डिवाइड करता हूं ठीक है तो यह भी तरीका समझने के लिए है बट तुम्हें एक चीज फॉर्मूले जो यहां पे याद रखने हैं वो क्या है अगर हमें अर्निंग री करनी है तो दैट इज ई पी एस ऑफ लास्ट ईयर इन टू टी ई आर पी डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर यह आजेगा री स्टेटेड अर्निंग पर शेयर और बाकी तो मैं क्वेश्चन के कैसे हमें अर्निंग पर शेयर इस साल का निकालना है वो तो मैं तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन करा ही रहा हूं ठीक है चलो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी टू इसमें क्या निकालना है वॉट इज द डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फिगर चलो जब डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर करते हैं इसका कॉन्सेप्ट आई बिलीव सभी को याद होगा वीडियो सभी ने मेरी देखी है तो डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में क्या होता है कि हमारे कुछ बॉन्ड्स होते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और हम उन बॉन्ड्स को इक्विटी मान के देन वी फिगर आउट कि आउटे अर्निंग पर शेयर क्या होगी अगर हम वो बॉन्ड्स को इक्विटी मानेंगे तो कोरल कंपनी हैज़ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिस वॉज इतने कि उसके जो प्रॉफिट्स थे आफ्टर टैक्स प्रॉफिट फॉर द ईयर नेट प्रॉफिट मतलब आफ्टर टैक्स आफ्टर सब कुछ मिला के वन जीरो फाइव डबल जीरो ट्रिपल जीरो ये उसके थे प्रॉफिट्स उसके बाद कोरल हैज़ सिक्स मिलियन शेयर्स इशू फॉर मैनी ईयर्स सिक्स मिलियन शेयर्स उसके पास थे ओपनिंग ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड फोर्टीन कोरल इशूड कन्वर्टेबल बॉन्ड इट हैड इट हैड इनिशियल लाइबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस इतने के हमने बॉन्ड्स इशू करे एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज एट परसेंट इस पर एट परसेंट इंटरेस्ट के हमने बॉन्ड्स इशू करे दीज़ बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इन फाइव ईयर फाइव ईयर्स बाद कन्वर्ट भी हो सकते हैं विथ फिफ्टी शेयर इज फॉर एवरी हंड्रेड डॉलर नॉमिनल वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड हेल्ड के जो जिसके पास भी बॉन्ड है सौ डॉलर के बॉन्ड के लिए उसको फिफ्टी शेयर्स मिलेंगे कोरल पेज अ टैक्स रेट ऑफ ट्वेंटी एट परसेंट है टैक्स अब बहुत ध्यान से देखनाटेंट पार्ट अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने प्रॉफिट की तो प्रॉफिट मेरा अभी आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है इतना अब ये जो मैंने लोन इशू किया है बॉन्ड इशू करें अगर ये मेरा इक्विटी होता दैट मीन्स मुझे इस पर इंटरेस्ट ना देना पड़ता अभी तो मैं इस पर इंटरेस्ट पे, पे करूँ तो इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर दिया होगा मैंने है ना सारे इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ माइनस करके तो पहले मैं इसमें इंटरेस्ट एड बैक करता हूँ कितना इंटरेस्ट आएगा तो 2.5 मिलियन इंटू एट परसेंट और ये मैंने इशू करे थे फर्स्ट अक्टूबर को और मेरी बुक्स क्लोज़ हो रही हैं इसमें बुक्स क्लोज़ होने की डेट दी हुई है थर्टीअ सेप्टेम्बर टू और हमने इशू करे थे फर्स्ट अक्टूबर दैट मीन्स पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया तो टू लाख फिफ्ट सॉरी ट्वेंटी फाइव लाख इंटू एट परसेंट दैट मीन्स टू लाख जो मेरा इंटरेस्ट था जो टू लाख मेरा इंटरेस्ट था वो तो मुझे पे ही नहीं करना क्योंकि मैं इनको इक्विटी का पार्ट मान रहा हूं डिलिविटेड अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए तो जब मैं इक्विटी का पार्ट मान रहा हूं मतलब इंटरेस्ट तो देना ही नहीं तो इंटरेस्ट इसमें बैक हो जाएगा माइनस ये अगर इंटरेस्ट मेरी इनकम बन गई तो ये तो नेट प्रॉफिट होते हैं आफ्टर टैक्स इसमें से टैक्स माइनस हो चुका है लेकिन जो ये इंटरेस्ट अब मैं ऐड बैक कर रहा हूं तो इस इंटरेस्ट पे मुझे एडिशनल ट्वेंटी एट परसेंट टैक्स देना पड़ेगा तो इंटू ट्वेंटी एट परसेंट फिफ्टी सिक्स थाउजेंड मैं यहां से माइनस कर दूंगा कि ये मेरा एडिशनल टैक्स इस पर लग जाएगा तो मेरी टोटल अर्निंग पर शेयर हो जाएंगी डिल्यूटेड के लिए दैट इज वन जीरो फाइव दिस वन जीरो फाइव प्लस टू लाख माइनस फिफ्टी सिक्स थाउजेंड तो वन जीरो सिक्स डबल फोर ट्रिपल जीरो वन जीरो सिक्स डबल फोर ट्रिपल जीरो आ गया मेरा अर्निंग पर शेयर डिल्यूट सॉरी यह आ गई अर्निंग्स डिल्यूटेड के लिए अब डिल्यूटेड के लिए नंबर ऑफ शेयर भी निकाल लेते हैं अभी तक मेरे नंबर ऑफ शेयर थे टू फिफ्टी जो ये डॉलर के मैंने बॉन्ड इशू करे हैं यह कन्वर्टेबल है फिफ्टी शेयर फॉर हंड्रेड तो टू फिफ्टी के लिए कितना होगा टू पॉइंट फाइव मिलियन डिवाइडेड बाई हंड्रेड इंटू फिफ्टी के सौ डॉलर के लिए हम फिफ्टी शेयर देते हैं तो इसके लिए कितने देंगे दिस डिड बाई हंड्रेड इंटू फिफ्टी That means 1.25 million मिलियन तो 1.25 तो टोटल नंबर ऑफ मेरे शेयर आगे डिलीटेड 7.25 ये फाइव या आगे टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं इनको इक्विटी का पार्ट मानू तो इतने हैं टोटल अर्निंग इतनी आएगी तो वन जीरो सिक्स फोर फोर ट्रिपल जीरो डिवाइडेड बाय सेवन टू फाइव तो वन पॉइंट फोर सिक्स एट वन पॉइंट फोर सिक्स एट और इसको अगर सेंट्स में करना है तो इन हंड्रेड तो वन फोर सिक्स पॉइंट एट वन तो वन फोर सिक्स पॉइंट एट तो डी आ गया मेरा आंसर सॉरी गाइस बीच में कॉल आ गया था वो मेरी रिंग टोनर थे ठीक है <laughs> तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दी द्वेश्चन तो एक चीज़ इसको पढ़ के हमें क्या समझ आती है इसको पढ़ के हमें ये समझ आती है कि हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन और इस चैप्टर के फॉर्मुलेज बहुत 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 अच्छे से लर्न करने हैं फॉर्मुलेज का ही चैप्टर है ये और कुछ भी नहीं है ठीक है क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी थ्री ओके चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी थ्री थोड़ा सा अलग है मैं देख रहा था अगर सेम होता तो मैं स्किप करा देता तो वन ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन में मैं क्या करना है वॉट इज इस कोस डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडिड थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन ओके इसकोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज अ प्रॉफिट फॉर द ईयर थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन ये हमारा प्रॉफिट है ऑन फोर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड फिफ्टीन इसको हैड फोर मिलियन शेयर तो हमारे जो प्रॉफिट है वो है टू मिलियन और हमारे जो शेयर्स हैं दो आर फोर मिलियन एंड मेड नो फर्दर इशू शेयर ज्यूरिंग द ईयर कोई शेयर हमने और इशू नहीं किए एट थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन देर वॉज वन मिलियन आउटस्टैंडिंग ऑप्शन टू बाय शेयर्स एट थ्री डॉलर ईच फॉर द ईयर एंड इट दिस द एवरेज वैल्यू ऑफ इस्को शेयर्स वॉज फाइव कि एवरेज वैल्यू हमारे शेयर की है फाइव और मार्केट और अभी अगर वो शेयर्स लेने जाते हैं आउटस्टैंडिंग वन मिलियन शेयर्स हैं जिनका प्राइस है थ्री ठीक है तो अगर मैं बोलता हूं कि ये हमारे ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाते हैं अगर ये ऑप्शन लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं तो एक तरह से मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे कितने शेयर्स ऐड होंगे अब देखो भाई तो ये वाला कॉन्सेप्ट है हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है इस कॉन्सेप्ट में क्या कह रहे हैं ये भी बुक में मैंने कराया हुआ है तुम्हें वीडियो में सॉल्व इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस पेंडिंग है वन मिलियन आउटस्टैंडिंग ऑप्शन जो लोग ले सकते हैं एट अ प्राइस ऑफ थ्री ईच तो अगर मैं सोचता हूँ कि लोगों ने ये ऑप्शन ले लिया होता तो मेरे कितने पैसे मुझे आते तो वन मिलियन इंटू थ्री दैट मीन्स मुझे टोटल थ्री मिलियन डॉलर्स आते मुझे टोटल कितने डॉलर्स आते थ्री मिलियन डॉलर्स थ्री मिलियन डॉलर्स मुझे आते और मार्केट प्राइस पर शेयर है फाइव तो डिवाइड बाय अगर मैं फाइव करूं तो थ्री मिलियन डिवाइड बाय फाइव दैट मींस टोटल नंबर ऑफ शेयर एज पर मार्केट प्राइस कितने आते मेरे सिक्स लाख मार्केट प्राइस मतलब मार्केट से पैसे देके जो लोग शेयर्स लेते वो लेते एक तरह से लाख ,00 कैसे टोटल अमाउंट मुझे कितना आता थ्री मिलियन ,00 तो थ्री मिलियन मार्केट प्राइस है फाइव दैट मींस टोटल शेयर्स में उनको कितने इशू करता सिक्स लाख उन लोगों को थ्री मिलियन के अकॉर्डिंग लेकिन मैं एक्चुअली उनको कितने मुझे इशू करने पड़ेंगे वन मिलियन ,00 अगर मैं जितने पैसे मुझे इन वन मिलियन शेयर्स के लिए आएंगे अगर उतने मैं मार्केट में इशू करता तो मैं सिक्स लाख शेयर्स इशू करता लेकिन एक्चुअली मुझे शेयर्स इशू करने वन मिलियन दैट मीन्स मैं एडिशनल फोर लाख शेयर्स इशू करूँगा है ना नन लाख वन मिलियन में से जब मैंने सिक्स लाख माइनस कर दिए जो मुझे पैसे दे के इशू करने थे तो मेरे को ये फ्री के शेयर्स देने थे तो ये मैं फ्री के शेयर्स यहाँ पे ऐड कर दूंगा और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग है उसमें मैंने माना था कि मैंने बॉन्ड्स को इक्विटी का पार्ट माना है यहां मैं कह रहा हूं कि मैं इक्विटी का पार्ट मान रहा हूं यहाँ पर मैंने क्या करा इक्विटी का पार्ट माना किसको जितने शेयर ऑप्शन मेरे पास थे उसको अगर मैं एक्चुअली में करता था तो मेरे को थ्री लाख डॉलर आते थ्री मिलियन डॉलर सॉरी और थ्री मिलियन डॉलर जो मेरे को आते अगर एक्चुअली में मैं शेयर्स इशू करता इस अमाउंट पे, तो मैं सिक्स लाख शेयर्स इशू करता अभी है हैं ना ये लोन है ना कुछ है अभी कुछ भी नहीं करें तो इतने मैं इशू करता जबकि एक्चुअली ऑप्शनज है वन मिलियन के ट मीन्स अगर मुझे ये करने पड़े तो फोर लाख मुझे एडिशनल फ्री में लोगों को शेयर्स देने पड़ेंगे तो फ्री के शेयर्स देने पड़ेंगे दैट मीन्स ई पी एस मेरे को एक्चुअली निकालनी पड़ेगी जो मेरी कम हो जाएगी और मेरी एक्चुअली ई पी एस क्यों कम हो जाएगी अर्निंग पर शेयर क्यों क्योंकि ये मेरे को फ्री के शेयर्स देने पड़ेंगे इनको तो एज पर अपना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मुझे निकालना पड़ेगा कि भाई तुम ये जो फ्री के शेयर्स तुम बांटोगे चाहे अभी नहीं बांट रहे बाद में तो देने पड़ेंगे ना इनको इस पैसे में तो तुम्हें सिक्स लाख ,00 शेयर्स देने थे बट तुम दे रहे हो वन मिलियन तो जो एडिशनल शेयर्स तुम दे रहे हो ना इसको लॉस अभी से बुक कर लो तो हमें डिलीवरी अर्निंग पर शेयर दिखा दो कि एक्चुअली तुम्हारी अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही है तो वो हमने यहाँ से निकाल ली सिंपल था गायज बिल्कुल मुश्किल नहीं था चलो अब आता क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी क्वेश्चन देख के लग रहा है प्रॉफिट फॉर द पीरियड अदर कॉम्प्रीहसिव इनकम ठीक है उसके बाद टोटल कॉम्प्रीहसि प्रॉफिट टू पेरेंट एनसीआई टोटल प्रॉफिट तो टोटल प्रॉफिट हमारा था इतना जिसमें से इतना पेरेंट का था इतना सब्सिडरी का ठीक है और अदर इनकम मिला के जो हमारा टोटल प्रॉफिट है इतना पेरेंट का है इतना सब्सिडरी का है हमें क्या पूछना है वॉट फिगर शुड बी यूज एज अर्निंग्स फॉर ई पी एस ई पी एस में हमारा आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंट और वो आते हैं पेरेंट कंपनी का हम ई पी एस पेरेंट का निकालते हैं तो ये जो अदर कॉम्प्रीहसिव इनकम है इसको तो हम इंक्लूड करते ही नहीं है ये तो इंक्लूड होती ही नहीं है हमारी तो इसमें से पेरेंट का हमारा है टू टू फाइव जीरो दैट मीन्स दिस अमाउंट विल बी यूज सो तीन जीरो ऑलरेडी लगे हुए हैं सो दैट मीन्स टू टू फाइव जीरो ट्रिपल जीरो दिस विल बी माई आंसर ठीक है मुश्किल नहीं था गाइस इजी था सिर्फ लॉजिक लगाने सिर्फ और सिर्फ लॉजिक नेक्स्ट विच टू ऑफ दू नॉट नीड टू बी रिमूव फ्रॉम एंटिटीज नेट प्रॉफिट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन ऑर्डर इन ऑर्डर टू earning अर्निंग share ईपीएस निकालने के लिए नेट प्रॉफिट में से कौन सी दो चीजें हम माइनस नहीं करते सबसे पहला रिडीमेबल प्रेफरेंशियस डिविडेंट रिडीमेबल प्रेफरेंशियस डिविडेंट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एन तो देखो मैं उल्टा चलता हूँ इसमें प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एन ये तो हम हटाएंगे तो ये तो हम क्वेश्चन ये तो हम हटाएंगे ना हमें प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट में से इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो हमारा ई नहीं है एंड एरर इन एक्सपेंस डिस्कवर्ड आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑथोराइज फोर इशू ये एरर है इसको भी ठीक करना पड़ेगा

रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज कंसिडर्ड लाइक अ लोन के लोन लिया हुआ है कुछ साल बाद इनको पैसे वापस करने हैं तो पैसे वापस करने हैं तो ये भी तो अमाउंट हमारा माइनस होगा यू आर एब्सोल्युटली राइट ये अमाउंट भी माइनस होगा लेकिन हमें बोला गया क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट में से क्या क्या चीजें माइनस होंगी बच्चों अगर नेट प्रॉफिट हमें निकालना है तो नेट प्रॉफिट निकालते हुए इसको तो लोन हमने पहले ही ट्रीट कर लिया होगा तो नेट प्रॉफिट में से जब हमने प्रॉफिट निकाला होगा प्रॉफिट तो फिगर से जब हम नेट प्रॉफिट पाए होंगे वहां पे हमने ये चीज ऑलरेडी माइनस कर दी होगी है है ना नेट प्रॉफिट में से हमें क्या क्या माइनस करना ये चीज तो ऑलरेडी माइनस कर रखी होगी हमने क्यों क्योंकि हम इसको याद है फॉर्म एंड सब्सटेंस सबस्टैंड दिखने में ये हमारा प्रेफरेंट शेयर है रिडीमेबल है तो इसको तो एक तरह से हम लोन मानेंगे कि ये तो हमारे ओनर थोड़ी है थोड़े दिन बाद इनको पैसे वापस करने हैं तो इसको अगर मैं लोन मानूंगा तो मैं ऑलरेडी माइनस कर चुकाऊंगा तो नेट प्रॉफ़िट में से ये फिगर ऑलरेडी माइनस हो चुकी है इसीलिए हमें यहाँ से माइनस करने की जरूरत नहीं है और ऑर्डनरी डिविडेंड तो हम कभी भी माइनस नहीं करते हम ऑर्डनरी डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड तो वो तो हमें वैसे भी निकालना होता है कि टोटल अर्निंग पर शेयर कितनी है कितना हम उसमें से डिविडेंड दे सकते हैं तो उसमें तो ऑर्डनरी डिविडेंड का तो कुछ नहीं करते ये ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं ये तीन चीजें हमें नेट प्रॉफिट में से माइनस करनी पड़ेगी इन प्रेफरेंस शेयर्स इस प्रॉफिट में से एनसीआई क्या है और अगर कोई एडजस्टमेंट है तो ये तीन चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी और ए और ई आर फाइनल आंसर्स अब आता है क्वेश्चन नंबर 126 अब 126 देखते हैं एक बार इसमें क्या करना है इंक्लूडेड विद इन डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन इंक्लूडेड विद इन बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन ओके ये चार ऑप्शन हैं बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है इन चारों ऑप्शन में से तो बताना है कौन से दो तो यहाँ आएंगे कौन से दो तो यहाँ आएंगे ठीक है वन फॉर फाइव राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द्किट प्राइस तो ये तो हमारा बेसिक ईपेस कैलकुलेशन में आएगा इश्यू ड्यूरिंग द इधर ऑफ लोन नोट कन्वर्टेबल ये हमारे डिल्यूटिड अर्निंग पर शेयर द ग्रांटिंग ऑफ डायरेक्टर शेयर ऑप्शन ड्यूरिंग द इयर एक्सरसाइजेबल फॉर थ्री इयर के डायरेक्टर्स को अगर हम शेयर ऑप्शन देंगे तो ये भी हमारा डिल्यूटिड अर्निंग पर शेयर में आएगा कि इसको भी अगर हम मानते हैं कि हमने शेयर दिए हुए हैं

ओ माई गॉड सिर्फ दो क्वेश्चन रह गए गुड 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 बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे के चैप्टर चलो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट दिस व्यू ओके मैनी कॉमेंटेटर्स बिलीव दैट द ट्रेंड ऑफ अर्निंग पर शेयर इज मोर रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अंडरलाइंग परफॉर्मेंस देन ट्रेंड ऑफ नेट प्रॉफिट पर शेयर के अर्निंग पर शेयर का जो ट्रेंड होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है परफॉर्मेंस चेक करने के लिए ज्यादा देन नेट प्रॉफिट विच आई बिलीव इज एब्सोल्यूटली राइट क्यों क्योंकि अर्निंग पर शेयर अगर हमारी कम प्रॉफिट जितना मर्जी बढ़ता चला जाएगा इस अगर पर शेयर हमें कम पैसे मिल रहे हैं तो अगर मेरे पास लेट से एक लाख शेयर थे पहले मेरे को हंड्रेड जैसे फिफ्टी सेंट्स मिलते थे और अब मेरे को इन शेयर नंबर ऑफ शेयर तो इतने रहेंगे मेरे अर्निंग पर शेयर मेरी कम हो रही है और मुझे ट्वेंटी फाइव मिल कंपनी की परफॉर्मेंस डूब रही है प्रॉफिट चाहे बढ़ते रहे अर्निंग पर शेयर इज बेटर इंडिकेटर विच इज एप राइट हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सपोर्ट करता है इस चीज को नेट प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग बट ईपीएस कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग नेट प्रॉफिट ही अगर मैनिपुलेट हो गया सो दैट मींस ईपीएस भी तो मैनिपुलेट हो जाएगा ईपीएस नेट प्रॉफिट में से तो निकलता है तो रॉन्ग ई पी एस टेक्स इंटू अकाउंट एडिशनल रिसोर्सिज मेड अवेलेबल टू अर्न प्रॉफिट वेन न्यू शेयर्स आर इश्यूड फॉर कैश वेयर एज नेट प्रॉफिट डजेंट ये हमने अभी पढ़ा था कि एडिशनल रिसोर्सिस दैट मीन जो हम अपनी कैलकुलेसन करते हैं ना ये वाली uh, एवरेज वाली जो वेटेड एवरेज कैलकुलेशन होती है कि profit, के जब हम करते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा और भी देख लेते हैं ट्रेंड ऑफ प्रोफिट फॉर द फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं है प्रॉफिट हम कभी भी ई पी एस से नहीं कर सकते बल्कि ई पी एस प्रॉफिट से कैलकुलेट हो सकता है दी एस इज री चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अफेक्ट दीवियस ईयर प्रॉफिट नहीं अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से हम री सेट नहीं करते हम रीसेट करते हैं बिकॉज हमने जो नए शेयर इशू करे हैं तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग और चाहे ये सही भी है चाहे ये ऑप्शन सही भी है लेकिन यह इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि ईपीएस बेटर है नेट प्रॉफिट से ईपीएस बेटर है नेट प्रॉफिट से वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करता तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाएगा इसका बी चलता लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जल्दी से देखते हैं करना क्या है होलीज डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड दिस हमें डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालना है गाइस ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे लेकिन मैं कराऊंगा क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैं एग्जाम एग्जामकिट के फीस चार्ज कर रहा हूं तो मेरी ड्यूटी बनती है कि सारे क्वेश्चंस कराऊं एक आधा छोड़वा सकता हूं इतने कम क्वेश्चंस तो कराने पड़ेंगे चलो

डबल जीरो अब यहां पे भी सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें निकालना पड़ेगा कि कितना अमाउंट हमारा, सॉरी कितने शेयर्स हमारे ऐसे हैं जो हमें फ्री में देने पड़ेंगे तो सबसे पहले कितने तो दिस इज डॉलर टू पॉइंट फाइव मिलियन इतनी वर्थ है 50 का एक तो टू पॉइंट फाइव मिलियन इन टू पॉइंट फाइव नहीं सॉरी डिवाइड बाय पॉइंट फाइव इतने डॉलर है हमारे स्टार्टिंग में हमारे पास शेयर थे क्योंकि फाइव मिलियन इन टू पॉइंट फिफ्टी सेंट तभी डॉलर आएगा ना टू पॉइंट फाइव डॉलर टू पॉइंट फाइव मिलियन कब आएंगे इतने नंबर ऑफ शेयर इंटू पॉइंट फिफ्टी सेंट तभी टू पॉइंट फाइव इसको मैंने डिवाइड बाई अमाउंट कर दिया तो मेरे आगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो ओपनिंग इक्विटी शेयर है मेरे पास फाइव मिलियन के टू मिलियन हमने इक्विटी शेयर इशू किए वन पॉइंट टू के तो टू मिलियन इंटू वन पॉइंट टू जीरो दैट मीन्स हमारे पास टोटल अमाउंट जो आएगा वो आएगा टू पॉइंट फोर मिलियन और एक शेयर का मार्केट प्राइस है थ्री कि एक्चुअली जो अमाउंट अगर हमें आता टू पॉइंट फोर मिलियन इसको मैं डिवाइड करता हूँ मार्केट प्राइस से सो so एक्चुअली में मैं एट लाख शेयर इशू करता कि अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो एक्चुअली में मैं एट लाख शेयर्स इशू करता बट मेरे को तो इशू करने पड़ेंगे टू मिलियन शेयर्स अगर मेरे को जो ये पैसे आते इन पैसों पे मैं एक्चुअली मार्केट में जाता तो मैं सबको एट लाख शेयर्स इशू करता जबकि मुझे इशू करने पड़ेंगे टू मिलियन अगर सब ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो मेरे को एडिशनली वन मिलियन शेयर्स देने पड़ेंगे फ्री के अगर सबने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया ना तो मेरे को फ्री के इतने शेयर्स देने पड़ेंगे गड़बड़ हो जाएगी तो दैट मींस ये भी मुझे यहां पे ऐड करना पड़ेगा 1.2 मिलियन सो डिल्यूटेड नंबर ऑफ शेयर्स मेरे आगे सिक्स टू दिस तो सिंपल वन फाइव फाइव डबल जीरो डिवाइड बाय सिक्स टू सो दैट मीन्स पॉइंट तो सीधा सीधा ट्वेंटी सेंट्स इज माई आंसर ठीक है सीधा सीधा ट्वेंटी फाइव सेंट मेरा आंसर आ जाएगा मुश्किल नहीं है ध्यान से देख लेना इन क्वेश्चन को समझना मुश्किल बिल्कुल नहीं है इस सिर्फ तुम्हें लॉजिक लगाना है और अपने फॉर्मुलेज लर्न करने है वैसे आई होप सबको इस वीडियो से काफी हद तक समझ आ गया और किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जस्ट फॉलो दिस स्टेप अगर अभी भी समझ नहीं आया दो तीन बार इस एग्जाम किट को देखना दो तीन बार अच्छे से समझ आ जाएगा ठीक है चलो बाय टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम